हे यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 07। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्विक वीपीएन फास्ट एंड सिक्योर एप्लीकेशन के बारे में। अभी एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे करना है यूज, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक के देखें ताकि आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने में जरा सी भी दिक्कत और परेशानी ना हो। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग पॉइंट की, तो 4.3 होने के साथ साथ इसको 50,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। और बात करें इस एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन को यूज करने का तरीका, चलिए मैं आपको ओपन करके इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को क्यों यूज करना चाहते हैं और आपने इसको क्यों डाउनलोड किया था, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस एप्लीकेशन से बहुत सारे काम किए जाते हैं। सबसे पहले आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको पहले कैंसिल करना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग एक ही गलती कर देते, डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं और यहाँ पे कहाँ कनेक्ट होता है पता नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको किसी को भी छेड़ना नहीं है, आपको ये ऑटो वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। ऑटो पे क्लिक करते हैं, अलग अलग कंट्रीज मिलेंगी, कुछ कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लोग लगा हुआ रहता है, तो आपको इनको नहीं छेड़ना है। अगर आप इसको छेड़ोगे तो आपको कुछ पैसे यहाँ पे देना पड़ेगी। सिंपल यहाँ पे आप किसी तीन कंट्री में से एक को चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिडनी पर क्लिक कर दिया। सिडनी पर क्लिक करते से यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह आएगी, तो आपको उसको ऊपर की साइड से हटा देना दोस्तों, ताकि आप इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सके। अब आपको क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे, डायरेक्टली कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको ओके कर देना है। ओके करते ही दोस्तों ये ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाता है, और साथ ही साथ हमको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। अब ये कनेक्ट हो चुका है, आपको तीन टेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट होता है, स्पीड का टेस्ट और भी अलग अलग टेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती। अब मेन टॉपिक को बात करें दोस्तों कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में किया जाता है। सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो, शायद आपने कमेंट में बता दिया होगा, तो मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करके आपको आगे की जानकारी प्रॉपर तरीके से दे दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो और इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आगे की जानकारी आपको पूरी तरीके से मिल सके।